उज्जैन सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए तहसील स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करवाए, मगर कुछ अड़ियल व बेलगाम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के चलते वहां व्यवस्था और अनियमितता अपने चरम पर है। ऐसा ही कुछ परिदृश्य घटिया तहसील में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुज कुमार शाल्य की पदस्थापना के बाद से दिखाई दे रहा है। यहाँ इनकी हठधर्मिता, दुर्व्यवहार और अड़ियल रवैये के चलते अव्यवस्था और अनियमितता अपने चरम पर है। पत्रकारों ने डॉक्टर शाल्य से सवाल किया तो वे पत्रकारों पर भड़क उठे और अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। अनुविभागीय अधिकारी ने पत्रकारों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि इस संबंध में जिलाधीश को अवगत कराया जाएगा। मेरे पास अभी पत्रकार बंधुओं का एक दल आया था मिलने और उन्होंने मुझे शिकायत की थी, बताई हुई मेरे मामला संज्ञान में लिया है और मैं उचित कार्रवाई करने के लिए डीएमओ का बाकी व्यवहार और सारी चीज़ें भी मेरे को बताई है, विस्तार से बात हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि निष्पक्ष जांच करा कर उसके हम निराकरण करेंगे। सर, एक फोटो भी वायरल हो रहा है डीएमओ का। हाँ, वो मेरे ध्यान में आया, उनके विभाग ने पुष्टि कर दी कि हाँ ये हम शराब पी रहे थे वहाँ पर। जांच में सब बात आ जाएगी, अभी उसके बारे में कुछ बोलना जल्दबाजी नहीं जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ निष्पक्ष जाँच होगी और जो कठोर कार्रवाई हो सकती है वो सब करेंगे। हाँ, फोटो मैंने भी देखा है, फोटो घटिया की लेप का ही है। तो लेप के पीछे एक रूम बना हुआ है, लेप से लगा हुआ है, लेप में ही है ये। वो वहीं का फोटो है, वहीं का वो काउच है, वहीं का बेसिन है और वो लेप का ही फोटो है। तो ये क्या पहले भी इस प्रकार की पार्टियां चलती रहती थी? हाँ, ये पार्टी की जगह है ये, बस ये कि उसमें मैं एक बार गया था अधिकारी जी से मिलने। देखिए, ये आपके द्वारा ये बिंदु जो है मेरे संज्ञान में लाए गए हैं और कुछ पोस्ट और कुछ फोटोज़ भी जो है वो सोशल मीडिया पर आए हैं और इनकी जांच जो है कल ही मेरे द्वारा करने के लिए दे दिया गया था। शाम तक उसको रिजल्ट आ जाएगा और जैसे ही उसकी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। सर, इनके विभाग द्वारा ही है वो जो शराब का फोटो वायरल हुआ है, उनके विभाग ने ही पुष्टि की है सुपरवाइजर में। आज हमने माननीय SDM साहब को ज्ञापन दिया है, वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो अव्यवस्थाएं हो रही है, जैसा कि जो दिन भर का जो कचरा कूड़ा कचरा रहता है वो पीछे के टैंक में जलाया जाता है, क्वार्टर बने पीछे स्वास्थ्य केंद्र के उसके पीछे क्वार्टर में जलाया जाता है। इस संदर्भ में हमने अव्यवस्थाओं को लेकर उनसे जानकारी मांगना चाहिए थी, लेकिन